यू हैव टू लिव द सेशन विद मी समझ रहे हो आपको मेरे साथ आज के सेशन को जीना है ठीक है सिर्फ देखना नहीं है तो आज के सेशन में आप लोगों का स्वागत है हे टू फैमिली हे टू के लॉयंस ओके okay, uh, थोड़े हाथ काँप रहे क्योंकि इतना आसान नहीं होता है यू you नो know, अभी मैं जब ये तमने लगाया तो काफ़ी काफ़ी रिएक्शन देखने को मिले और uh, मतलब फैमिली से भी लोग पूछ रहे क्या चल रहा है मतलब तेरे तो अभी बाल भी काले हैं <laughs> रिटायरमेंट वो क्या होता है नो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी बोले तेरे तो बाल भी काले सफ़ेद हुए नहीं है रिटायरमेंट मतलब ये क्या होता है एक कुलीग ने मुझे मैसेज किया नहीं वो कि आ, सर जी रिटायरमेंट सब ठीक तो है तो मैंने उसको रिप्लाई किया फिर मैंने कहा रिटायरमेंट का मतलब ये तो नहीं होता कि कुछ ख़राब चल रहा है <laughs> सो रिटायरमेंट का मतलब तो ये होता है कि खुशी का पल आने वाला है जब आप माइंड से फ्री होने वाले हो अच्छा महसूस होता है तभी इतना बड़ा डिसीजन लिया जाता है बट ये आसान नहीं है मेरे लिए और इतना अच्छा महसूस नहीं हो रहा बट उसके पीछे का रीज़न क्या है लॉजिक क्या है वो मैं आपको बताऊँगा लेकिन काफ़ी अच्छे आ, आ, मतलब जो रिएक्शन हैं तो मैं आपको आपके साथ कुछ रिएक्शन शेयर करना चाहता हूँ एक्चुअली सुबह सुबह ये आई थिंक सुबह नहीं इवनिंग में मैंने पोस्ट डाला था और एंड आई वाज सो इमेशनल इमोशनल एट दैट टाइम कि मैंने जब वो कमेंट्स पढ़े एंड दैट दैट मी अप बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे अच्छा असमड़ी से अच्छा चलो तो सबसे पहले तो आज के सेशन को शुरू करते हैं अगर पहले ही ऐसा हो गया तो काम कैसे चलेगा क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी है और स्पेशली रिटायरमेंट की बात कर रहा हूँ तो क्या है क्यों है कैसे है और uh, स्पेशली जब रिटायरमेंट की बात हो रही है तो मैंने साथ में एक और चीज़ लिखी थी कि आप लोगों के लिए एक सरप्राइजिंग बहुत बड़ा गिफ्ट है क्योंकि मैंने लाइफ में ऐसा कभी अचीव नहीं किया और अब मैं करने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग उस चीज़ को बड़े ध्यान से देखें चलो तो सबसे पहले तो आज एक कुछ चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ जब मैंने इवनिंग में एक पोस्ट डाला था ये वाला सो so, इवनिंग पे मैंने ये पोस्ट डाला था रिटायरमेंट के समय एटो सर का आखिरी गिफ्ट और उस पर मुझे मेरे फैमिली मेम्बर्स ने बताया कि एक बार जाके तुम उसके कॉमेंट पढ़ो तो मुझे मैं घबरा गया मैंने कहा यार मतलब क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं है देन उन्होंने कहा कि एक बार पढ़ो तो सही तुम तो फिर मैंने उसको खोला तो अभी उसके जो कमेंट्स हैं मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूँ जैसे पहला कमेंट है अरशाद अरशाद का कमेंट है सर इट्स नोट योर टाइम टू रिटायरमेंट मतलब उन्हें बोल्टर लोईस सर का एग्जाम्पल दिया सो उन्होंने कहा कि ये कोई टाइम नहीं है रिटायरमेंट का सो सर इज स्टिल टीचिंग डोंट लीव अस मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ वे लेकिन कुछ एक कमेंट जैसे कि ये वाला कमेंट है एक्सप्लोर इस्लामाबाद आई एम अ सर्च स्कॉलर फ्रॉम पाकिस्तान एंड फ्रॉम द टाइम आई एम सीइंग वेदांतु इज नाउ एट दिस स्टेज बिकॉज ऑफ अरविंद अरोड़ा मतलब ऐसे जो कमेंट्स आते हैं तो हाथ और काने लगते हैं कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत बट मैं क्यों कर रहा हूँ मैं उसके पीछे का रीज़न आपको बताऊँगा ओके सर प्लीज़ डोंट रिटायर पराक्षी पाटिल ने लिखा कि वॉट एपन टू यू सर प्लीज़ डोंट रिटायर यू कैन डू दैट सर बेस्ट केमिस्ट्री टीचर बैकबोन ऑफ वेदांतू प्लीज़ डोंट ओके सर डोंट टेक रिटायरमेंट बहुत सारे कॉमेंट थे और uh, उनको पढ़ने के बाद मुझे थोड़ी सी मतलब ज़्यादा खुशी हुई बट थोड़ी सी घबराहट भी हुई कि मैं क्या कर रहा हूँ बट कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और मैंने कुछ डिसाइड किया और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी फैमिली के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूँ बाय द वे थैंक यू सो मच जो आप लोग इतना प्यार देते हैं जैसे अदिति झा ने लिखा प्लीज़ सर डोंट गो डोंट टेक रिटायरमेंट हाउ विल वी प्रिपेयर केमिस्ट्री विद यू सर तो अभी थामवा दिल पे हाथ रख के तसल्ली से बैठो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ सो आप चिंता मत करो आप ध्यान से सुनना उसे और बहुत सारे कमेंट थैंक यू सो मच